हेलो एवरीवन, आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। तो जो भी कैंडिडेट्स लद्दाख से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आप सबके लिए फ्रेश रिक्रूटमेंट अनाउंस किया गया है टीचर की वैकेंसीज के लिए। जो टीचिंग जॉब्स आती हैं उन सब के लिए आप सबके लिए 142 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, जिसमें बताया गया है कि आप सभी इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। अब इस रिक्रूटमेंट का क्या सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है, कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 मार्च से लेके आपकी 31 मार्च 2023 तक रहेगी। उसके बाद टोटल वैकेंसीज जो है वो आपकी है 142 के आसपास। जो आपकी लास्ट डेट है पेमेंट की फॉर्म भरने की वो भी 31 मार्च 2023। डेट है जो एग्ज़ाम की वो वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा, अभी इसका डेट कोई भी अनाउंस नहीं किया। आफ्टर दैट जो भी रिजर्वेशन रहती है आपकी कैटेगरी के लिए एससी एसटी की एज जो है वो 45 इयर्स रहेगी, ईडब्ल्यूएस भी, पीडब्ल्यूडी 44 एंड एसई बाकी भी आप देख सकते हो। तो जो एज लिमिट रखी गई है इसकी वो रखी गई है 18 to 42। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रखी गई है वो रखी गई है ग्रेजुएशन, ये आपको मैं पोस्ट के हिसाब से बताऊंगा थोड़ी देर बाद, और साथ में आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बता देंगे। ग्रेजुएशन के बाद अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप नोटिफिकेशन पूरा देखेंगे ऑब्वियसली। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो रखी गई है 200 रुपीज़। एग्ज़ाम जो होगा आपका उसका सिलेबस है रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। टोटल क्वेश्चंस जो आपके रहेंगे वो रहेंगे 100 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 GA, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो रहेगी 1 hour and 30 minutes, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो है आपकी 0.25, जो जैसे कि 1/4 ऑफ द टोटल मार्क्स होती है। मीडियम जो है एग्ज़ाम का वो इंग्लिश रहेगा। सिलेबस भी आपका यहाँ प्रॉपर नोटिफिकेशन में लिखा गया है, बहुत अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस आया। अदरवाइज़ अगर आप कुछ रिक्रूटमेंट्स देखें उसमें JKSS भी जैसे वो आपका सिलेबस थोड़ा लेट अनाउंस करते हैं, इसमें सिलेबस आपका पहले ही अनाउंस है, राइट। और इसमें 4 ही सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और GS। अगर आप लोगों ने SSC की तैयारी की है या SSC का सिलेबस आपने देखा है, सेम सिलेबस है जो आपको वहाँ पूछा जाता है, तो आपको कोई अलग से नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो ले में कंडक्ट पेपर होगा आपका, और ये जो रिक्रूटमेंट आई है इसमें एलिजिबिलिटी भी मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। तो अभी तक जो भी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। सिलेबस के बाद अब हम चलते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो अभी टेंटेटिव अभी बताया नहीं है। एडमिट कार्ड जो आपके आएंगे तो पेपर से 2 हफ्ता पहले आएंगे और वो आपको डाउनलोड करने हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं। उसके बाद किस डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट में किस सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसीज हैं आप वो डिस्कस कर लेते हैं। टीचर की वैकेंसीज के लिए डिपार्टमेंट सभी पोस्ट के लिए स्कूल एजुकेशन है। जो जनरल टीचर के लिए यहाँ मांगी गई है क्वालिफिकेशन वो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, BEd होना चाहिए और CTET आपका क्वालिफाई होना चाहिए। उसके बाद साइंस मैथ टीचर की वैकेंसीज जो हैं वो हैं 106 वैकेंसीज, इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बॉटनी, जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन, और BEd होना चाहिए और CTET होना चाहिए। BEd CTET तो आज हर पेपर में इन्होंने हर रिक्रूटमेंट में कंपलसरी रखा है, स्पेशली टीचर के लिए। लैंग्वेज टीचर की भी रिक्वायरमेंट है, 9 वैकेंसीज हैं लैंग्वेज टीचर, उर्दू, बोटी, लैंग्वेज टीचर हिंदी सबके लिए वैकेंसी। स्कूल स्पेशल एजुकेशन में 10 वैकेंसीज हैं, सबसे ज़्यादा है साइंस मैथ टीचर में 106 वैकेंसीज। तो सभी के लिए डिग्री आपको चाहिए ग्रेजुएशन, BEd होना चाहिए और CTET होना चाहिए। अब जो लैंग्वेज टीचर हैं हिंदी, उर्दू और भोती, इसमें आपको जैसे हिंदी है तो उसमें हिंदी में आपकी ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए, भोटी में है तो भोटी में 1 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और उर्दू है तो 1 सब्जेक्ट आपका उर्दू होना चाहिए। तो यह है पूरा ओवरऑल नोटिफिकेशन, और देख लेते हैं इसमें कोई चीज़ हमने मिस ना कर दी हो स्पेशली फ्रॉम एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट अ सेकेंड, फॉर्म निकाला है आपका LAHDC यानी कि लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से। इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रेजिडेंट क्राइटेरिया, इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ ले डिस्ट्रिक्ट, और उसके पास एक रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी वहाँ पर इशू किया जाता है।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके लिए। आप में से जो जो कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल करेंगे या इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा बनेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए लद्दाख से, और आप फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, इसका मतलब आप 2-3 महीने लगा के चलिए आपके पास है। इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये सभी सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं करियर सक्सेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में। कोई हेल्प आपको चाहिए तो कॉल कर लीजिए 9419145317 पर, या विजिट कर लीजिए करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, करनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।